नमस्ते इंडिया के दर्शकों को, वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे माँ गंगा पर, माँ गंगा की जो हालत है उस पर, और जागरूकता अभियान चला रहे प्रोफेसर डीएन शुक्ला से। आज आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि गंगा की जो ये हालत है उसको किसने की? जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा जैसी दो बड़ी धाराओं के देवप्रयाग में मिलने के बाद कहलाती है। स्थिति यहाँ तक है कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए हम स्थान स्थान पर गंगा पर बड़े बड़े बांधों को बना दिया है और जल को रोक लिया है। गंगा नदी नहीं है, गंगा नहीं है पानी, गंगा हमारी माँ है, गंगा है जिंदगानी। ऐसी नदी कहाँ है, ऐसी कहाँ है धारा, जिसका सलिल सुधाम है जिसने पति तुबारा। गंगा गगन से निकली, पाताल में समाई, शिव की जटा से होकर गंगा धारा पे आई। यानी अमृत रस जो अमृत धारा थी वो खत्म हो रही है और आज जो है विष की धारा सी बनती जा रही है। इसका आप कारण क्या मानते हैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से? गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, मत कहो इन्हें अमृत धारा, गंगा को गंगा रहने दो। सच्चाई ये है कि जब गंगा का मूल जल ही नहीं आ रहा है, जो कि जिसमें तमाम गुण थे, गंगा जब वहाँ से गोमुख से निकलती हैं वो भागीरथी की धारा के रूप में, तो उसमें तमाम नदिकाएँ मिलती हुई जिन्हें गट्स कहते हैं, उसके बाद किरार गंगा, जथ गंगा, फिर भिलांगना की बारी आई और भिलांगना के पास ही आपने टेहरी डैम बना लिया, पूरा का पूरा जल वहाँ उकर लिया। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि वो जल वहीं बांध लिया गया। जल के बंधने पर उसके करीब करीब सभी प्राकृतिक गुण खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर पानी छोड़ा जा रहा है या कभी कभी न भी छोड़ा जाता है। यानी वेग पर जो बंधन लगाया गया इस ये मुख्य कारण है। जी हाँ, वेग पर उसके प्रवाह पर जो बंधन लगाया गया वो गंगा के महत्व को सबसे ज़्यादा वही ख़त्म कर देता है और गंगा के मूल गुण, उनके जल के जो मूल गुण है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो बड़ी धाराएँ भागीरथी और अलकनंदा, जिन्हें माँ और बेटी के मिलन की बात कही जाती है, उसमें सैकड़ों धाराएं मिलती हैं। दूध गंगा, गरुण गंगा, गौरा गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, इस तरह की तमाम धाराएं हैं। तो उन तमाम धाराओं को धीरे धीरे अलग किया जा रहा है और देवप्रयाग के बाद जो धारा आगे बढ़ती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद, उसको आप गंगा का रूप देते हैं। लेकिन वो भी आगे बढ़ने के बाद जैसे आपके हरिद्वार में आती है, तो हरिद्वार में फिर वहाँ पर बांध बना हुआ है और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से वहाँ पर एक छोटी सी धारा जोड़ी गई। अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया था उनके आंदोलन को, जिसको कि हम नील धारा कहते हैं, थोड़ा सा पानी उससे निकलता है, वही मूल गंगा मानी जाती है। बाकी पूरा का पूरा जल अपर गंगा नहर, मध्य गंगा नहर में डाल दिया गया। कुल मिलाकर के वो जो ऊपर का हिमालय का जो जल है, जिसमें कि तमाम खनिज घुले हुए हैं, जिसमें तमाम जड़ी बूटियां घुली हुई हैं, जिस इकट्ठा कर दिया गया, जिसका पूरा वरदान प्राप्त हुआ है, मतलब जो लोगों के लिए वरदान है, वह जल वहां तक समाप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर आता है कौन सा, नगरों का गंदा जल, विषैला जल। आप एक वैज्ञानिक हो, गंगा के उस अमृत रस को अगर एक केमिकल उसका देखिए, अगर निकालिए तो उसमें कौन सा अमृत तत्व ऐसा निकल करके आप मिलता रहा है? एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, वो एक वायरस है, विषाणु है, जो जितने भी हानिकारक जीवाणु जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, जो गंगा में पलते हैं, प्रजनन करते हैं, वह उनके सेल में प्रवेश करके अपना प्रजनन करता है और उनको नष्ट कर देता है। आज दुर्भाग्य की बात है कि उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है, कमी आई है, और कमी आना स्वाभाविक है क्योंकि जब गंगा जल ही नहीं तो कैसे बनेंगे वो। माँ गंगा तुम्हें पुकार रहे, हम तेरी राह निहार रहे, अब स्वयं करो रक्षा अपनी, हम सारे भक्त लबार रहे। यानी अब हम निराश हो गए, निराश हम हो गए, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा फिर मैंने उनका आह्वान किया, अब चूंकि मगरमच्छ और घड़ियाल, माँ गंगा का जो सुंदर स्वरूप बताया जाता है वो ये है कि मगरमच्छ इनकी सवारी है, मगरमच्छ और घड़ियाल, लहरें इनकी जो हैं वो इनका वस्त्र है, चंचल लहरें जो स्वच्छ लहरें हैं, और धाराएं इनका रथ है। दुर्भाग्य देखिए कि धारा रोक दी गई, मगरमच्छ घड़ियाल मार दिए गए,
और लहरों में तमाम गंदा पानी और बिसला डाल दिया गया, तो छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरह से माँ गंगा को पैदल कर दिया गया है, वो धीरे 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 करके चल रही हैं, वो मोक्षदायिनी धीरे धीरे अपने ही मोक्ष की परिकल्पना कर रही हैं। तो मैंने कहा, अब मगरमच्छ घड़ियाल छोड़ तू कर ले सिंह सवारी माँ, अब मगरमच्छ घड़ियाल छोड़ तू कर ले सिंह सवारी माँ, तू ही काली तू ही दुर्गा तू नहीं है अबला नारी माँ। इस तरह से मैंने माँ गंगा को बार बार आह्वान किया। और बता दें, मैंने तो एक संकल्प लिया है, मैं जानता हूँ माँ गंगा पापनाशिनी है, मोक्षदायिनी है, लेकिन मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैंने गंगा स्नान करना बंद कर दिया है तब तक के लिए, जब तक मैं माँ गंगा को मुक्त नहीं करा लूँगा या स्वच्छ नहीं करा लूँगा। कभी कभी लोग तरह तरह की बातें करके मुख्य मुद्दे से अलग करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं गंगा में मूर्तियों का विसर्जन न हो। वर्ष में दो बार ही गंगा की में मूर्तियों का विसर्जन होता है, मूर्तियों में नवरात्रि और गणेश। जी हाँ, जिस तरह से गंगा आस्था और विश्वास की मूर्तियां हैं, प्रतिमूर्ति हैं, वैसे मूर्तियां भी हमारी आस्था की प्रतिमूर्तियां हैं, उनको बाहर सड़ाया नहीं जाएगा, फेंका नहीं जाएगा, उनका अपमान नहीं किया जाएगा। तो गंगा में इनका फेंकना कोई बुरी बात नहीं है, इस पर लोग ध्यान न दें। नंबर दो बात, ये आप एक वैज्ञानिक। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर धारा का प्रवाह बढ़ जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं है अपने आप में। नंबर दो बात है, लोग कहते हैं पूजा पाठ की राख भी फेंकना गुनाह है। मैं कहता हूं कैसे गुनाह है, जहां पर हजारों टन राख मुर्दा की फेंकी जा रही हो, वहां थोड़ी सी पूजा की राख फेंकना उसको प्रदूषण बढ़ाना थोड़ी होगा। हमसे बहुत से बच्चों ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, गंगा में थूके न, गंगा में कुल्ली न करें। हमने कहा सच्चाई ये है कि जब हम ये संकल्प लेंगे कि हम उसमें गंदे कपड़े नहीं धोएंगे, उसमें कुल्ली नहीं करेंगे, इस तरह की बात जब हम करेंगे तो कुछ दिन के बाद हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई नाला उसमें गिर रहा हो। नमस्ते इंडिया की ओर से और नमस्ते इंडिया के दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।